अभी हम लोग आ गए हैं डिपार्चर एरिया पे, और अभी बस अभी यहाँ पे डिपार्चर वाला एरिया, अभी मैं आपको सामने से दिखाता हूँ डिपार्चर एरिया कितना तो है। ये है डिपार्चर एरिया जहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं। यहाँ पे हर गेट, ये गेट नंबर 5 है, वहाँ लिखा हुआ है। अभी हर गेट नंबर में अलग अलग एयरलाइन की फ्लाइट होती है, तो वो एयर 6 है। भीड़ नहीं है जो भी के, बट जैसे मैं नीचे होता हूँ देखो पीछे कितना भीड़ है। ये साइड है बहुत ज़्यादा भीड़ है, और ये इधर भी। पूछते हैं कैसा लगा एक्सपीरियंस करके। हाँ इसको बहुत मज़ा है। वहाँ से डिपार्चर एरिया चालू होता है, ये एकदम फ्लोर पे पूरा, और नीचे अरेबल एरिया था। और ये पे यहाँ पे लगभग जो कि 8-9 गेट है, जहाँ पे हर गेट का अलग अलग एंट्री होता है, हर एयरलाइंस का अलग अलग। तो काली को कैसा लगा एयरपोर्ट पे आके, यहाँ पे आके अच्छा लगा। आगे जाए घूमेंगे, आगे देखेंगे। चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं, और आगे भी आपको गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग जो उठ के अभी सो के उठ चुके हैं, और अभी फ्रेश व्रेश होकर नहा हुआ के हमारे काली आ गए। पहले नाश्ता करने के लिए भूख एकदम लगा हुआ है, अभी वैसे ऑलमोस्ट जो है कि 12 बज चुके हैं। तो हम लोग बस अभी नाश्ता करके अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में आपको मैं दिखाता हूँ एयरपोर्ट, और हम लोग अभी जुहू बीच जाने वाले हैं। पहले अभी हम लोग एयरपोर्ट चल रहे हैं कुछ काम में, तो अभी हम लोग मैं और खालू चल रहा अभी पहले नाश्ता करके उसके बाद चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, अभी एयरपोर्ट पे आगे ऊपर जाना हो एयरपोर्ट पर। अभी नीचे ऑटो स्टैंड को एकदम पूरा नीचे है, डाउन एकदम ग्राउंड फ्लोर पे एयरपोर्ट ऊपर में है, तभी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं ऊपर। अभी हम लोग पहुंच गए, और ये अरेवल वाला जो कि अंदर से आदमी आता है जो भी एयरपोर्ट पे उतरता है, तो ये अरेवल एरिया है और डिपार्चर एरिया ऊपर में है। अभी तो भीड़ भी एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा लग रहा है। आदमी सब किसी को रिसीव करने आया है, एकदम देख रहे भीड़। इधर भी भीड़ है। और जो डिपार्चर एरिया है वो ऊपर में है, वो उसके लिए वहाँ से एक्सेलेटर है, उससे ऊपर जाना पड़ेगा। और कालू को भी ले कह रहा हूँ, तो वो भी एकदम खुश है, अभी देख रहा है इधर उधर एयरपोर्ट कैसा होता है। ये फर्स्ट टाइम आ रहा है एयरपोर्ट पे, मैं तो काफ़ी बार आ चुका हूँ, जा चुका हूँ, इसका फर्स्ट टाइम है। ये कुछ एयरपोर्ट का व्यू है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस एयरपोर्ट का नाम है। झरना वगैरह पानी का जो कुछ देखने के लिए है। भीड़ तो भयंकर है अभी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो हम लोग भी इधर थोड़ा घूमते फिरते हैं, और कालू को भी घुमाते हैं। ऊपर जा रहे हैं डिपार्चर एरिया पे, और कालू को कैसा लग रहा है? अभी हम लोग आए यहाँ से, देखो व्यू क्या है एयरपोर्ट का, ये अरेवल एरिया। अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर डिपार्चर के एरिया में, और यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं जो कहीं कहीं से हैं, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग सिटी से। आ गए हैं डिपार्चर एरिया पे, और अभी बस अभी यहाँ पे डिपार्चर वाला एरिया, अभी मैं आपको सामने से दिखाता हूँ डिपार्चर एरिया कितना बड़ा है। डिपार्चर एरिया चालू होता है, ये एकदम फ्लोर पे पूरा, और नीचे अरेवल एरिया था। और ये पे यहाँ पे लगभग जो कि 8-9 गेट है, जहाँ पे हर गेट का अलग अलग एंट्री होता है, हर एयरलाइंस का अलग अलग। और ये यहाँ पे कार वार पार्किंग करना नॉट अलाउड है, ये सब टो करके ले जाता है व्हीकल। और ये वो अभी गेट है, वो सारा गेट, तो अभी हम लोग चलते हैं गेट की तरफ। ये है डिपार्चर एरिया जहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं। यहाँ पे हर गेट, ये गेट नंबर 5 है, वहाँ लिखा हुआ है। अभी हर गेट नंबर में अलग अलग एयरलाइन की फ़्लाइट होती है, तो वो एयर 6 एयरलाइन है, तो वो 6 नंबर गेट है, तो उस पर इंडिगो का है। ये 5 नंबर गेट है, तो यहाँ पे स्पाइस जेट और विस्तारा का जो है कि फ़्लाइट बोर्डिंग है, बोर्डिंग काउंटर है वहाँ पर। तो हर गेट का अलग अलग एयरलाइन का बोर्डिंग काउंटर होता है अंदर। और यहाँ पे जो जो नए आए उनको बताते, यहाँ पे पहले आते हैं तो क्या करता है, पहले यहाँ पे आपको टिकट और अपना आईडी कार्ड यहाँ पे चेक करते हैं गेट के पास। उसके बाद आपको अंदर जाना होता है, अंदर जाके जिस एयरलाइन का आपका टिकट है, फ्लाइट है, उस एयरलाइन से आपको बोर्डिंग पास लेना पड़ता है। उसके बाद अंदर जाके सिक्योरिटी चेकिंग होता है, उसके बाद आपको जाके क्लियरेंस मिलता है, तो आप जाके गेट पर जो है कि एंट्री करते हैं फ्लाइट में।
अभी हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए। आप लोग को भी दिखा दे एयरपोर्ट कैसा है, मुंबई इंटरनेशनल शिवाजी जो महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और हम लोग का जो आज जो है मुंबई में लास्ट दिन है, आज ही हम लोग जो है मुंबई से वापस अपने घर बिहार चले जाएंगे यहाँ से। तो आज हम लोग का लास्ट दिन है, तो हम लोग बस जितना ज़्यादा हो सके यहाँ पे अभी देख ले रहे हैं। और कालू को भी पूछते हैं कैसा लगा एयरपोर्ट पे आगे, कैसा लगा? बहुत अच्छा, अच्छा लगा। आगे जाए फिर घूमेंगे, आगे देखेंगे। चलो अभी हम लोग आगे चलते हैं और आगे भी आपको दिखाते हैं कुछ। यहाँ पे तो देख ही लिया, अब हम लोग चल रहे हैं अभी जुहू बीच, क्योंकि मैंने अभी यहाँ तक एक हफ्ते से हम लोग यहाँ पे हैं मुंबई में, बट मैंने कालू को अभी तक जो है कि जुहू बीच नहीं घुमाया। तो अभी मैं सोचा अभी थोड़ा टाइम है हम लोग का जाने में, तो यहाँ से पहले हम लोग चलते हैं जुहू बीच, इसको जुहू बीच घुमा देते, क्योंकि जुहू बीच इस भी पास में 10-15 मिनट हम लोग पहुँच जाएंगे, तो इसको जुहू बीच घुमा देते हैं, उसका आएंगे फिर चलेंगे बिहार अपना। हम लोग आ गए हैं जुहू बीच पे। अभी इतना धूप है ना, ये गर्मी लग रहा है, तो धूप एकदम सड़ पे है। अभी भीड़ तो बहुत कम ही दिख रहा है, क्योंकि भीड़ अभी बढ़ेगा। वैसे भी सैटरडे है, शनिवार है, और अभी 4 बज रहे हैं। अभी लोग आएंगे 5-6 बजे, यहाँ पूरा भीड़ रहता है। अभी भी भीड़ है उधर, ये भी भीड़ नहीं है जुहू बीच, बट जैसे मैं नीचे उतरा देखो पीछे कितना भीड़ है। ये साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ है और ये इधर भी बहुत भीड़ है। तो वैसे ऊपर से खाली लगा था भीड़ में, बट भीड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग जुहू बीच आए, कालू को भी जाना है बोट में, बोल रहा है कि हमको राइड करना है। मुझे तो नहीं करना है, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका हूँ, तो मुझे अब राइड करने का कोई मन नहीं है। तो कालू को करना है राइड, तो इसको भी लेके चलते हैं। और कोई भी राइड से अभी राइड वाला उधर साइड में, तो उधर जाके इसको कोई भी राइड करवाते हैं, बाइक राइड, स्काई बाइक राइड करो। इसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे, आप लोगों ने इसको बहुत बार देखा होगा इंस्टाग्राम के बहुत सारे रील में, बहुत सारे वीडियो में। ये स्टैचू बन के रहता है बीच पे, बहुत सारे जगह पे, पब्लिक पैलेस पे, और लोग आके इसके पास फ़ोटो खिंचाते हैं। यहाँ पे भीड़ वही लगा है, फ़ोटो खींचने का पड़ गया। अब जो है कि अब पैसा वाला बॉक्स ही लगा दिया, पहले पैसा वाला बॉक्स नहीं रखा हुआ करता था, और अब पैसा वाला बॉक्स भी है, आप फ़ोटो खिंचा सकते हो और पैसा भी अगर देना हो तो दे सकते हो। आलू भी रेडी हो रहा है जाने के लिए, बस यही कर रहे हैं, मैं नहीं करने वाला हूँ अभी, इसको करना था क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका हूँ, तो ये फाल चुका है अभी, पूरा कपड़ा गंदा हो जाएगा इसको करने का। इससे इसी को बस जाने दे रहा हूँ, करा इसको करा देता हूँ बोट राइड। और कैसा लग रहा है अभी जाने के लिए, रेडी है तो अभी जाए के आएगा तब इसको मजा आएगा, अभी उतना लग नहीं रहा है एक्साइटेड। लोग बोट में बैठ रहा है, इधर से धूप आ रहा है, तो वीडियो भी पूरा साफ क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि सूरज का रोशनी पूरा आ रहा है अभी कैमरा पे। कालू भी अभी उसमें बैठ गया है, पकड़ के भी बैठेगा, इसको लेके जाएगा अभी और घुमा के आगे से लेके आएगा। तब तक मैं भी इधर देखता हूँ, क्योंकि भीड़ बहुत, उतना भी भीड़ नहीं जैसे पहले भीड़ हुआ करता था, क्योंकि अभी अभी भी बहुत टाइम है अभी आने में पब्लिक को, पर है इतना भीड़ है कि आदमी लोग अभी बहुत सारे घूम रहे, बोट राइडिंग वगैरह कर रहे हैं, अभी कुछ नहा भी रहे हैं अभी। अभी लोग को लेके जाएगा बोट स्पीड में। ये रहा बोट, ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जाता, यहाँ से मान लो 0.5 किलोमीटर तक लेके जाएगा, उसके बाद रिटर्न लाएगा। अब ये आ गया है, अब इससे पूछते हैं कैसा लगा एक्सपीरियंस करके। हाँ बहुत मज़ा आया, बहुत, इसको बहुत मज़ा आया। अभी अभी मुंह में पूरा नमक का पानी पड़ रहा होगा, इसको लेके गया पूरा नमक नमक आ रहा होगा मुँह में। मैं भी पहले जा चुका हूँ, तो पूरा मुँह में नमक आता है, पूरा पानी जो आता है। अभी ये खोल के रखेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर, अब हम लोग चल रहे हैं अपने होटल पे। अभी हम लोग आ गए हैं पूरा घूम के, अभी मेट्रो स्टेशन पे अपने जा रहे हैं, अभी रूम पे डॉर्मेट्री में। अब जाने से पहले हम लोग खाना खा लेते हैं, अभी यहाँ पीछे ही होटल है, तो हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद यहाँ से अब चढ़ जाएंगे। और फिलहाल इस ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।